Yeah.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
बलम कृष्ण सर्वे संतु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भावने हरिओं शांति 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 ओम कहो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की Thank you.
Thank you.
वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु से वीर्यं करवा ते जपिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषाः हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की रीबिल्डिंग वंस अगेन हम हुए हैं और अच्छे नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी अनाड़ी रात और मजदूर ने उसके दीवार बनाई 9 फुट ऊंची। वो आर्किटेक्ट जो मकान बना रहा था मालिक नहीं बल्कि निर्माण करता। जब वो आया ये तो ठीक नहीं है तो गिरा लो। अब वो गिरा दी गई। अब वो खड़ा रहा और बाहर बना। इसे बोलते हैं रीबिल्डिंग या पुनर्निर्माण। हमने देखा हमारी जो जीवन की दीवारें उठी है या हमारे जीवन का जो निर्माण हुआ है ठीक तन के कर्मों को देखती चाल को देखती है तो बिल्कुल ही अशुद्ध है। बुद्धि के इरादों को देखती है तो पति में सोती है। तो सिवाय गिराकर दोबारा बनाने के और कुछ चाल दो चार 10 मिनट तो हो तो तब कोई निकाली और ठीक कर दिया। लेकिन जब चारों तरफ के मेड़ हो और सूत्र में न जा रही हो दीवार तो गिरा नहीं पड़ती। तो हमारे सूत्र में नहीं जा रहे सूत्र में अर्थात ऋषियों के अनमोल परमान के अनुसार अपनी संस्कृति और सभ्यता अनुसार वो एक उसका सूत होता है और नीचे वजन बंधा होता है। वो यू यू देखता जाता है सीधी सीधी इन्होंने प्रोग्रेस देने के कारण देखी नहीं तो फिर वो गिरानी पड़ती है। वो सीट करती आती अगर वो सूत भी दे देते और साथ वो रास्ते भी जाते नापने वाला तो ठीक रहता। हमने सभ्यता और संस्कृति के सूत को रखा दी। महापुरुषों ने संस्कृति बनाई थी हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए और सभ्यता बनाई थी हमारा आचार व्यवहार को उन्नत करने। सभ्यता होती है एक्सटर्नल और संस्कृति होती है इंटरनल। संस्कृति मतलब होती है हमारी बुद्धि का अच्छा खासा विकास हो जाए और सभ्यता होती है हमारा आचार व्यवहार हमारी शिक्षा हमारे रहने सहने का ढंग उन्नत हो जाए अच्छा हो जाए। जिसे आप कहेंगे सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड एंड कल्चर्ड एंड ये देखने को और अपने महापुरुषों को देखते तो कमाल है। चाहे ये पीढ़ी ना सही अगली पीढ़ी मजबूर हो जाएगी अपने ऋषियों के सभ्यता और संस्कृति के अनुसार चलने की बड़ी मजबूर हो जाएगी। और हमारे महर्षि वेदव्यास हमारी सभ्यता और संस्कृति के बानी मुबानी या फाउंडर माने जाते हैं। वो कमाल कर गए जो हमें बता गए कि अंदरून रूप में सुधार अपना योग कर लो और बाहरी रूप में उद्धार अपना योग कर लो। अंदरूनी सुधार होता है बाहर का उद्धार होता है। आपके दोनों में क्या है सुधार और उद्धार तो आत्म उन्नति पूरी हो आत्म उन्नति सर्वतोमुखी आत्म उन्नति हो। इसलिए मैं कह रहा हूं पुनर्निर्माण करना होगा अपना। आप उस निर्माण में हम मौजूद हैं लगे हुए अपने आप को फिर ब्रिड कर रहे हैं अपने आप को फिर देख रहे हैं। उसमें बड़ा जरूरी है अपने आप को बोल कर देना मालिक क्या। अब मैं फिर कहना चाहता हूं गुरु शब्द भगवान हमारे जीवन में क्यों आजकल की बड़ी पीढ़ी तो मूर्ख पीढ़ी पर प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं करती बहुत अच्छी बात है। भगवान का हमारे जीवन में क्यों क्या महत्ता है भगवान के हमारे जीवन में क्या बात। जब तक ये महत्ता गहरी नहीं उतर जाएगी गुरु में आप कहेंगे अभियत भगवान की इंपॉर्टेंस या भगवान की अहमियत या महत्ता हमारे अंतःकरण में जब गहरी उतर जाएगी तब तक हम कोई कुर्बानी नहीं। मैं इतनी शब्दों में कह
भगवान से पूरी हो सकती है जहां से। तो चाहे कैसी भी इंसान हो और कहीं भी रहता हो और किसी भी देश में हो या किसी प्रदेश में हो, प्रदेश लोग अपने ही देश के नाना प्रकार के स्टेट्स, तो कहेंगे प्रदेश, अपने देश के 18-19 प्रदेश है, जैसे हमारा हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश, आपकी यूपी प्रदेश, ये प्रदेशों में हमारा देश बटा हुआ। जब हम कहेंगे विदेश तो अपने देश के पहले और देश रहते हैं। और कोई भी नौजवान इंसान रहता होगा, आप उसकी एक ही मांग है, जितने दिन मैं अपने जीवन के लाया हूं आराम से शांति से। और जितने भी इंसान बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बड़े बड़े और जिन्होंने कोशिश की सुधार करने की, बड़ी कोशिश की, लेकिन मूर्खता उन्हें ये कहा डाली राजनीतिज्ञ ने और अर्थशास्त्री ने और वैज्ञानिक ने, वो बाहरी रूप में हमारी नीति करवाते रहे, बाहरी रूप में हमें ऐश्वर्य और वैभवशाली बनाते रहे। इंसान के एक हिस्से को तरक्की दी लेकर अंदर के दो हिस्सों को तरक्की नहीं दी, मन और बहुत ही हम खुश है हमारे मन और बुद्धि को तरक्की देंगे हमारे ऋषि मान। मन और बुद्धि अदरवाइज तरक्की हो भी गई, हम ऋषिपुष्ट हो गए, एक्टिव भी हो गए, यानी हम क्रियाशील भी हो गए और हम बड़े अच्छे भी बन गए, राज रूप में बड़ी बढ़िया सुविधाएं मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन अंदर को अंदर वाले को ना अच्छे विचार मिले, मन बुद्धि को उतनी मिलेगा, उतनी होगा, अंदर उदास रहेंगे, हताश रहेंगे, निराश रहेंगे, अगर उसको बढ़िया विचार नहीं तो कुछ भी ना होगा। आज के इंसान की वैज्ञानिक की बड़ी भारी भूल हो रही है, वो बाहरी रूप में तो इंसान को करोड़ों फॉर्मे ला रहा, बाहरी रूप में प्राकृतिक सुविधाएं दे रहा, लेकर अंदर की तरफ भेद है, इसलिए आज के इंसान का पता बैठा हुआ है, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़ों में है, उसका सब कुछ ठीक है, तीन चीजें जो आम इंसान मानता है, क्या मेरे वस्त्र अच्छे हो, क्या मेरे आवास यानी रहनी सहनी अच्छी हो, और मेरा भोजन, भोजन वस्त्र आवास, ये तीनों मानता है वो, भोजन वस्त्र आवास ये तीनों अच्छे हैं, ये भी अच्छा हो गया, लेकिन अंदर उदास है, आकाश है, निराश, ये सब कुछ उदास निराश है, उसके विचार नहीं अच्छे, इरादे नहीं अच्छे, कर्म नहीं अच्छे, उनका प्रभाव जल्दी जल्दी रोग और हमारे घर में चिंता फिकर और नाना प्रकार की चुनौतियां जो टाइम टू टाइम हमारे सामने आती है उनका मुकाबला नहीं इंसान कर सकता। चुनौतियां कई आती है टाइम टू टाइम, बड़ी चुनौतियां आती है, तो अंग्रेजी में बोलते हैं चैलेंजेस, कितनी चैलेंज आती है, zigzag, हाउ टू ओवरपावर, राजनीतिक तौर पर इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं देना होगा, भगवान की ओर लपकना होगा। जब ये समझेगा कि मैं पूर्ण शांति, पूर्ण आराम, पूर्ण चैन भगवान के पास होगा, तो ना कंचन से, ना कामी से, ना कीर्ति, ना कंचन से, ना कामी से, ना कीर्ति से, ये का हिंदी के कंचन कामी कीर्ति, इन तीनों से जब इंसान निराश हो जाएगा बार बार अथवा करके, चौथा काम से बात लगाना पड़ेगा, तीन काम का जब जनासा बचेगा, तीन काम जब निस्सार प्रतीत होंगे, चौथा काम से लगाना पड़ेगा, कृष्ण न कंचन से, न कामी से, न कीर्ति से, बल्कि अपने अंदर जामी सर्वव्यापी, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से कहा करता हूँ, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जवाब सबसे पहले, क्योंकि इंसान को अभियांत्रिक चैन मिलना, करार मिलना, क्या करेगा, अपने भगवान को पुकार, अपने हजूर को पुकारेगा, मैं अपनी तहत से और सच्चाई की बात कह रहा हूँ, भारत का बड़ा गौरव है, बड़े भाग्य है, जहाँ भगवान ने कृष्ण ने अवतार लिया, हिंदुस्तान के हिंदू श्रद्धालु हिंदू ये मानते हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए, लेकिन मैं बड़ा निराला हूँ, बड़ा निराला, बहुत ही निराला हूँ और बहुत ही क्या कहूँ, अजीब किस्म का हूँ, मैं बाकी अवतारों को इतनी मेहमान नहीं देता, मेरा मन नहीं देता, शायद सबकी क्या मैं भूल पा रहा हूँ, जितना के कल्याण हमारा भगवान जी ने कृष्ण किया, बड़ा भारी कल्याण, बड़ा भारी कल्याण, बड़ा भारी कल्याण, और वो भी मैं कहूंगा इस रूप में जब जगत गुरु के रूप में प्रकट हुए, कब प्रकट हुए, महाभारत के महायुद्ध में, महाभारत के महायुद्ध में भगवान कृष्ण जब श्री मुख से गीता लेके प्रकट हुए, गजब भाग गए, कमाल, ऐसे भी बेटी जाती है जो है कुछ अवतार तेरा कुछ कम ना था, लेकर उसके गीता सुनाना गजब,
बिल्कुल कोई इस मिथ्या को बढ़ा चरण बोले गए ना लिखे गए ना भावना प्रकट की गई है तो ऊंचे वो नहीं है बिल्कुल बिल्कुल युक्ति युक्त उपयुक्त है युक्ति युक्त उपयुक्त बिल्कुल ठीक है। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम था उसने गीता सुनाना अब भगवान जगत गुरु गुरु ने दिया है हमें बहुत सवाल किया प्रश्न आज उठता है क्यों लोगों ने भगवान गीता को सुनाई हमने बड़े मुझसे कहा था कहते थे नहीं ये तो उच्च नहीं थी झूठी की फिलॉसफी है ये झूठी की नैतिक शिक्षा थी ये तो चुपचाप शांत माता मिल जाती थी कम अकल वाले समझती रही गीता को बार रूप में देखना चाहिए गीता को लाक्षणिक रूप में इंडिकेटिव रूप में या एरी गेरी पूरी समझना चाहिए। अब डॉक्टर की जरूरत कब होती है बच्चों को आज की प्रश्न को उत्तर दिया जाता डॉक्टर का जरूरत होती है जब हम बीमार हो जाते हैं लाचार हो जाते हैं हमारे तबीयत जो है असामान्य या अनार्मल हो जाती है तब हम डॉक्टर को बुलाते हैं। तो इसी प्रकार हाँ किसी दार्शनिक की किसी गुरु की किसी उच्च कोटि के उपदेशक की टीचर की कब जरूरत पड़ती है हमारे अंदर क्या दुख तकलीफ मानसिक चिंता बेचैनी बेकरारी और फर फर आंसू गिरते हैं किसी रात तक पहुंचे हुए किसी नेक बात की जरूरत होती है। मैंने कहा क्या जब बड़े दुख हो तकलीफ हो चिंता हो भटकल हो अंत हाहाकार मची हो भगवान ने इसीलिए ये बाल रूप में जो महाभारत का युद्ध दिखाया है ये हमारे अंदर का नमूना मारो काश जो कुछ हुआ युद्ध में हुआ या बाहर हुआ कि नहीं हुआ अंदर तक भी कैसी निगरानी होती है युद्ध का भाई युद्ध दिखाया चले गया युद्ध में सब कुछ नगारे कर चुके हैं अब हर एक योद्धा युद्ध के लिए तैयार है युद्ध की चुनौतियां ले चुके हैं बस इशारे की देर है पितामह जी को जरा इशारा करने दो और वाह वाह हो जाएगी और बाकी एक मौत थी उस समय ऋषि के जीवन मुस्कराने लगे हमारे अंदर हर कर मचाती है कारण कोई भी गुना होता है बेचैनी बेकरारी जाती है हम रोने लग जाती है हमें कोई आपका सुख शांति का नजर नहीं आता उस समय भगवान कृष्ण के भगवान की उसी तरह जरूरत मत होती है जैसे रोगी को डॉक्टर की होती है चाहे वो रात का 1 बजे हो या 1:30 बजे हो हम समय देखते हैं जब हमारे माँ या पिता या भाई या बहन कोई भी रिश्ता अचानक कुछ ऐसा हो जाता है हम टाइम देते जब सब 100 या 200 रुपया मांग रहे घर में आने की फीस हम देने को मिला क्योंकि हमारी लाइफ ज्यादा है ना कि रुपया हम सब प्रकार कर देंगे इस तरह सब जिंदगी ढूंढती है वो आरोप जिसमें दिल को करार आ जाए रंगे हो हम से निजात तो बात करें जब ये अवस्था होती है तब कृष्ण का परमान भगवान की क्या जरूरत है जी आज तक पढ़ने की बच्ची कैसी है सरकार जब अंदर तो प्रतीक पूरा पड़ेगी डॉक्टरों के पास कोई नहीं है कोई टीका नहीं निकला ऐसा कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कोई जादू टोना नहीं है कोई ऐसी और बात नहीं है कोई खुद धागा तावीज काम नहीं करती ना जादू टोना काम करता है ना किसी का झाड़ना काम करता है उस भगवान का उपदेश उस हजूर का परमान काम आता है हमारे नजर आपके बड़े अच्छे भाग्य है तो हम भगवान को प्यारे करें अपने मन का इलाज उपचार करने जा रहे हैं जो होता है तन का उपचार ये है मन का उपचार मन के तन से कई गुना ज्यादा मन के रोग है और मैं वापसी कहूंगा मन के रोगों को जड़ काटने के लिए भगवान का परमान बहुत ही कारगर साबित होगा गुजर गई पीढ़िया गुजर जाएगी कमाल कर गए कमाल कर गए भगवान का परमान खत्म कर गया हमारे दुखों की गहरे काटने के लिए हमारी बेचैनी को दूर करने के लिए और समय समय अनुसार आने वाली विकट चुनौतियों का सामना करने के लिए भगवान का परमान अद्वितीय है अनुपम है सुंदरम है सत्य है सत्यम शिवम सुंदरम अर्जुन का परमान तो उसमें जो जब ये पता लग जाएगा
अंदर के लिए बाहर की तो पहले बढ़िया मकान बना लेंगे, बड़े फल ले लेंगे, बैंक बैलेंस को स्ट्रांग कर लेंगे, डॉक्टर साहब को बुला लेंगे, लेकिन जब अंदर हाहाकार मचेगी वहां भारत के युद्ध की तरह, जब अंदर दुख हुआ तकलीफ, कोई चिंता हुआ उधर फंस गए, कोई वे आउट नजर नहीं आएगा, तो क्या क्या करेंगे उस वक्त क्या होगा? बड़ी लानत की बात और बड़ी शर्त की बात आजकल की क्या 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 विचित्र पीढ़ी इस पर विचार करता है। शोक बढ़ते जा रही है, रोग बढ़ते जा रहे हैं, हाहाकार बढ़ती जा रही है, कि अंदर आने को अंदर के शोरों को कैसे बंद किया जाए, अंदर कैसे शांति दी जाए, गले की शांति और मन और अंतःकरण को ठंडा कैसे रखा जाए। हमें तो बहुत देख लिया, बहुत महापुरुषों को देखा, भगवान से बढ़कर हम कोई आला और उत्तम और कारगर तरीका नजर आता है। बहुत इच्छा बहुत ही गजब पकड़ा जो हजूर ने बताया है, अंदर के शांत रखनी होगी, कल कोई विकट परिस्थिति आ जाए, खाली काम आता, कल अंदर बेचैनी बेकरारी आ जाए, बैंक बैलेंस शर्मिंदा हो जाता है, माँ शर्मिंदा, बाप शर्मिंदा, पत्नी रो रो के मर जाती है आपको देखकर, कोई पत्नी के पास चारा नहीं, जब अंदर बेचैनी होगी बेकरारी होगी कौन क्या करेगा, रोगी होगी तो माँ आ सकती है, बाप आ सकता है, पत्नी आ सकती है, पति आ सकता है, भैया काम आ सकता है, गुर्बत में आपके घर को काम आ सकता है, लेकिन अंदर का पोजेगी क्या करेगा, मैंने अनेक को देखा कोई जवाब नहीं, अंदर की बेकरारी बेकरारी ऐसी होगी तो कितनी ऐसी दिक्कत आ जाएगी, ऐसी चुनौतियां आ जाएगी, ऐसी स्थितियां बन जाती है, किस्म की क्या करोगे, क्या तरीका क्या है, किसी आज जनता बेगार मददगार हर और आपको नजर आए, विचार है बेकरार है, पता ही नहीं किसी शांति दिए, किसी आराम से दिए, किस प्रकार करें, भाई हम क्या काम करें, मतलब दार कुछ काम नहीं आता, रिश्तेदार कुछ काम नहीं आते, तो सबसे अच्छा बात का उपदेश था बहुत हो सकता है। इसलिए मैं आपको प्रेम भरे आपसे विचार करता हूं, ये जो गीता का प्रणाली है, गीता के ये जो श्लोक है गुरु नानक के, दावत लाने वालों के पास छोटे छोटे जीव होती है, छोटे छोटे पानी में उनकी जीवों को मारना है, गीता के ये श्लोक है गुरु नानक के, तीर देखकर को छोटे रहते श्लोक है, छोटे छोटे इतने इतने ग्यारहवे अध्याय को छोड़ करके बाकी सारे अध्यायों के श्लोक छोटे हैं, देखकर को छोटे लगे पर घाव करें गंभीर, गहरा खत्म बड़ा गहरे उत्तर जाते हैं और अंदर खप खत्म कर देते, बिल्कुल खत्म कर देते, लेखक को छोटू लगे भाव करेगा, इसलिए भगवान की परवाह थोड़ी कान के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मन के लिए हमें भगवान की, और कोई तरीके का इच्छा सोच कर माता जी मर जाए कौन शांति देगा, करके अचानक से मृत्यु होती कौन शांति देगा, धन की कमी हो जाती है कौन शांति देगा, अपने पर कुछ आप रखती है कौन शांति देगा, अचानक जो हमारी डीएरएस्ट और नियरेस्ट है मानसी मती चली जाती है कौन शांति देगा, या आप एक और जा रही है आपको नाना प्रकार की असफलताओं का सामना करना पड़ता है कौन आपको शांति देगा, उस वक्त कौन सारी रात नींद नहीं आ रही होती चिंता करते 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 कौन आपको ध्यान बताएगा, ऐसे वक्त से भगवान का सम्मान करेगा, इस ऐसे टाइम में जब जब हमारा कोई भी काम नहीं आता मन को घात करता हूं, जब संसार का कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता, नियर एंड डियर फ्रेंड मिजरेबली, नियर एंड डियर जो हमारे निकट व्यक्ति है, जब वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं हमारी मदद कर सकते, उस वक्त भगवान का फरमान मदद करता, उस वक्त हजूर का फरमान मदद करता, खुशी और गमी में मेरे लक्ष से मोहन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया तो मेरे बहुत काम आया, मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम, मैं कह रहा आपका रोम रोम पुकार के कह रहा मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम, खुशी और गमी में मेरे लक्ष्य मोहन तेरा नाम आया, इसे कलेजा कह रहा ठीक है, लग भी बोल रहा, कंठ भी बोल रहा, कान भी बोल रहा, तो ये कलेजा बोल रहा, खुशी और गमी में मेरे लक्ष्य मोहन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया, बहुत जरूरी है इसकी, इसलिए इसके बाद करेंगे क्या, क्या धन फेल, पत्नी फेल, पति फेल, माँ फेल, बाप फेल, समाज फेल, और कौन होगा सरकार काम करेगी, हमारा भी काम आते, हमारा हजूर काम आते, अचानक दौरे के फिर उसका बैठता था भगवान कुछ ऐसी इच्छा होती है कि जब भी कोई दुख आता है तो अकेला नहीं आता बल्कि अपने साथ
जब आप शरीर ले जाता कहावत है मुसीबत कभी तनहा नहीं हो इस बात नेवर डन हेलो आप इस अंदर कुछ बात में लड़के को दौरा पड़ा वो भी बढ़ गया आप ये करता रह गया जो उस उंगली में था दादा पांच साल आप उस बिचारे ने उसको पढ़ाया पढ़ा किया और एक तमीज बनवाया आज मैं तेजी होती है तमीज होती है एक कुछ चीज जिस कपड़े किसी कागज पर कुछ लिखा लिख के उसको चांदी का और लेट करवा करके ही यहाँ पहन जाता बासुबंद बादू बंद बादू बंद करवा दिया का पुत्र मीर का सब मुझे पत्थर बड़ा हो गया आप कुछ कमाने लगा पुत्र मैं तो अब थोड़ी सी जिंदगी में चल जाऊ जब तेरे पे बड़ी भारी मुसीबत पड़े और मैं याद आने लगू तो क्या कहती है मैं सब बाप है तुम्हें तू चल जाएगी मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मेरा समागम तेरे साथ सुन से भी और मैं तो चल जाऊंगी पुत्र अब तू रोकी सकता लेकिन जब मैं तुझे कहते तेरे पास अत्यंत बहुत व्यक्त आए तब इस बाजूबंद को तोड़ और इस पर मैंने जो कुछ लिखा है वो पढ़ मुझे पूरी उम्मीद है कि उस घोर संकट में मेरे ये बाजू बंद बड़े काम कहता हुआ कैसी हुई आपने छुट गई और एक भी काम चूमा नहीं बल्कि दरिया की तरह जा गुजर जाता है मधुर स्मृतियां मैं नीचे जाते आम आपके आम आपके बच्चा से प्रतिदिन उनकी करता रह गया खूब ऐश्वर्य और वैभवशाली बन गया छले हाथ में पैर उनके उनके बेचने की नौबत आ गई सब कुछ हो गया बड़ा मुकाबला किया यार दोस्त ने बड़ी मदद करके उठाने की कोशिश की लेकिन अगर रब भी किसको मार रहा हो उसको उठाए कौन और डाउन और डाउन और डाउन यहाँ तक नौबत आ गई सवेरे की है और शाम की और अगर शाम की है तो सवेरे और ये है आज इस दुकान के फटे पे सो रही है और कल उस चबूतरे पे जाके रह नौबत ये आ गई न सोने का प्रबंध है न खाने का ऐसे समय अचानक हो गया रोता रोता अपना हाथ मस्तक पे रखा और मस्तक पे हाथ गिरा और मार बाजू बंद कर इससे पढ़ के जनता समय और क्या है अब मैं मजबूर हूं तेरी इस अमर निशानी को तोड़ने के लिए मैं चाहता हूं इसको ना तोड़ू ये तो मेरी निशानी रह गई है पर तूने कहा था जब बहुत संकट आ जाए पुत्र तो इसको तोड़ दे आधी रात का समय था बाहर की कमेटी की वो लैंप था वो जल रहा था उसके नीचे बच्चा आया और आकर के उसको रखा चांदी का बना हुआ था थोड़े को दिल में ली दो हाथों में लेकर फड़क किया फड़क करके बीच में से एक बंद निकला उस बंद को दांतों में लेके फिर तोड़ा और बीच में एक सुंदर सा हाथ बहुत सुंदर हो गया था उसको पढ़ा तो फिर तेरे सिर पे मिला जहां मैं सोती थी उस कमरे के बीच फुट नीचे मैं तेरे बाप का बहुत बढ़िया खजाना तेरे इस तो तेरे हाथ में दे दिया था मुझे उम्मीद थी अगर तुझे सारा दे देती तो फिर सब खत्म हो जाएगा अब मुझे दे दिया है जब तुझे ऐसा संकट आ गया है तो जा बीच फुट नीचे जहां मैं सोती हूँ तेरे कमरे के अंदर खोल इसके पास मुझा था उसे भी नहीं सकता उसके घर के बाहर जाकर प्रातः काल जब उसे निकलना था हाथ में खड़ा करके बोले देखा पहचान के इसमें बात करके और
अभिषेक किया करता आप तो थके हुए थे, बाल ऐसे नजर आ रहे थे जैसे महीनों ने खोया हुआ। दस आते तो दीदी क्या बात, क्यों तो मदद देना चाहता है? मैं तेरे पिता से मान करने किया, क्या तुझे मकान बात करना चाहता है? ले तेरी कसम मैं कहीं भी जाऊं तुझे अभी मकान नहीं दिया, तू अब रो रहा है, मैं तेरी दुर्दशा देख करके पसीज गया। क्या चाहता जितना दान जितना दान फिर मर गया था तुझे वहां, मैंने दान दिया मैंने देश दिया है हमें उसके जरूरत है। मैं एक दुर्घटना समझ जाता खड़ी खड़ी सामने अंदर आना अंदर आने के बाद मैं घटना समझ जाता इस चीज पर चला गया। मेरी माँ ने मुझे बहुत दुख से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसके बाद मेरी माँ की शरीर छोड़ने के दिन आ गए। मेरी माँ ने एक दिन ये मेरा बाहू पास लगाया दबाव में, तो वो मुझे माँ ने कहा जब तेरा बड़ा भारी संकट आ जाए उसको तोड़ना। वो मैंने आज रात के 1:30 बजे उस बिजली के खंभे के नीचे लैंप पे उस कमेटी के लैंप के नीचे मैंने तोड़ा है और उसमें ये कागज निकला है ये आप इस कमरे में सोती हूँ। एक शीश के ऊपर मेरा शक्ति मेरा हाथ जिस गेट पर अगर भारी संकट आ गया है तो तेरे बाप का बताना जिस कमरे में सोती उसके बीच फुट नीचे खोल मिल जाएगा और तेरा तो मेरे साथ हुआ। मैंने मकान दिया है तेरे जमे को खजाने को नहीं दिया वो तेरा है, मैं तो अभी तेरा सारा मकान तेरा और मेरे लिए लालक इतने दुख में बेचा था अपने लेना चाहिए था। और एक दर्द कहता है अगर किसी पे मुसीबत आ जाए मदद कर दो शिलदार हो और मैं बड़ा कमीना और गंदा और लोभी बना हूं तो तेरे मकान को ले लिया है पर अब तू दुख में आया है मकान लेता तो फिर आ मेरे साथ तो आप उदास में खुद की तस्वीर में खुद की जिस कमरे में मां सोती थी भैंस की मेरी मां का टका तो उसको खोदा वापिस और जीती सुनुकी नहीं थी जिसे वापिस आचर के मंडू शाह मंडू शाह वो उसने उठा ली। मैं आपके सामने ना आप लेगा नहीं मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं कैसे की आप उसने कुकल के ताले को तोड़ा टूट के अंदर फिर सरिये लगे हुए थे उसको तोड़ा तोड़ने पर फिर अंदर छोटी सी बात छोटी सी और फिर उसको खोला एक एक से एक बढ़िया होती थोड़ी सी शोभा जी बड़ा विपक्ष देखा हाँ उससे तो बेटे एक मोती हम सारा तेरे इस एक मोती से मेरा कारोबार चल जाएगा मैं और भी मकान बना दो दिनों के अंदर मकान खाली कर दिया मोती उसको दे दिया। अब उसने मोती दिखाए वो तो लाखों के थे इतने करके उसने बेचे धीरे धीरे करता 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 पहले से भी ज्यादा पूजा करता है और अनेक मोती बंद करके आप गुरबत की थी कहीं धन पालन को कहीं डंगर को कई गरीबों की मदद का बड़ा भारी मशहूर हो गया बड़ा भारी कई मकान बना आपको छोटा छोटा मैं और आप चले मैं और आप बूढ़ हुआ और हमारा समाज हमारा एक बेटा ये दिन बदन दुखों में तकलीफों में चिंताओं में धुलता जा रहा है धुलता जा रहा है धुलता जा रहा है। मुझे ऐसे भी दादी की बताई कहानी ऐसी नजर आती है कि जब इन पर बड़ी भारी मुसीबत पड़ेगी गीता की काम बने की काम करेगी बाजू पर तब जाकर के इस मदाने को खोजा जाएगा रिसर्च की जाएगी नाना प्रकार के प्रश्न न केवल अपने लिए बल्कि अनेक देशों के लिए सुख शांति करना से पहले कभी थी भारत बन जाया हमारी भाग्य है कब लोग इसकी वे महामूर्ति को ले बिल्कुल ठीक कहा गया है ऋषि की से कुछ कुछ करा दिया मूर्ति हमारी भगवान हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है कि हमें इनके फरमान को अपनाए बिना शांति आराम और सुख नहीं माना माना इसको अपनाने से बड़ा पाप है। तो पहले है जहर फिर आपने क्या इसलिए कोई कोई बिरला इधर सबर करके
और धीरज रख के लगा रहता है। दुनिया में ना धीरज रहा है ना सबर रहा है, बिल्कुल नहीं जाता था। वो मिजाजी से काम देखो तो कहते चट भंगी फट गया, चट भंगी फट गया, फटाफट फटाफट क्यों होना चाहिए था। ये फटाफट की बात है नहीं, मारा इसमें शरीर पीड़ा होगी, मारे इसमें मानसिक भी पीड़ा सहनी पड़ती है और बौद्धिक रूप में पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन बाद में वो खजाना ध्यान में मिलता है जिसका वर्णन मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं बिल्कुल नहीं हो सकता, कदापि भी नहीं हो सकता। इस वर्ण में प्रश्न करता खबरदार पीड़ाओं से कष्टों से घबराना नहीं, क्योंकि इसके बाद वो आनंद का ध्यान में खजाना मिलेगा जो तू अनेकों में बांट के जाए। अगर कोई मेरी बेटी शादी के बाद हाँ माँ बनना चाहती है, अगर आप माँ बनने की उम्मीद रखती है पीड़ाओं को नाना प्रकार की पीड़ाओं को आपको बर्दाश्त करना, इसी तरह हमें नाना प्रकार की शरीर मानसिक और बौद्धिक पीड़ाओं को बर्दाश्त करना होगा। अगर हम उस आनंद के खजाने हमें अपने आप को एकाग्र हो करके अपने आप को गुम करके इसलिए भगवान की हमारे जीवन में जबरदस्त महत्ता है, जबरदस्त और इतने भाव अगर आप कभी दिखा देंगे तो मुझे पूर्णतम विश्वास है कि हम भगवान के बताए हुए इस अनुपम एवं अति सुखदायी उपाय को अपने जीवन का विधि को अपने जीवन का अति जरूरी अंग बना के चाहे किसी मुसीबत हो तब कष्ट का सामना धन्यवाद साक्षी।